चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत लगातार अपनी तैयारियों को जोर दे रहा है। भारतीय सेना हमेशा नए नए हथियार और नए नए सुरक्षा उपकरण को अपने साथ जोड़ रही है, जिससे कि भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। अब इसी कड़ी में एक नए हथियार का नाम सामने आ रहा है, जिसके जरिए दुश्मनों को ट्रैक करना भारतीय सेना के लिए काफी आसान हो जाएगा। एलएसी पर बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने खुद को लो लेवल लाइटवेट रडार से लैस करने की मांग की है। भारतीय सैन्य अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा है कि एलएसी पर पहाड़ी इलाकों के कारण निगरानी करना संभव नहीं हो पाता। इसका फायदा उठाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा पर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए सेना को लो लेवल लाइटवेट रडार से लैस किए जाने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये रडार भी परियोजना में शामिल है, जैसे सेना उद्योग के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। इसको लेकर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने एक सूची भी जारी की है। इस सूची में निगरानी और सशस्त्र ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, पैदल सेना हथियार, रोबोटिक निगरानी प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल हेलीपैड्स और गोला बारूद तक शामिल हैं। चीन के साथ भारत का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस तनाव के बीच बीते 18 महीनों से दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने डटी हुई हैं। यहां सैनिकों की संख्या 1-2 हजार नहीं 40-50 हजार के करीब है। ऐसे में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई नतीजा निकल नहीं रहा। ऐसे में दुर्गम क्षेत्रों को चीन के टेढ़ी नजरों से सुरक्षित रखने के लिए सेना नए नए उपकरण अपने साथ जोड़ रही है, जिसमें लो लेवल लाइटवेट रडार की आवश्यकता भी है। सेना को एक ऐसा रडार चाहिए जो 50 किलोमीटर की सीमा पर वायु रक्षा हथियारों का सामरिक नियंत्रण भी रखता हो। सरकार ने 209 ऐसी रक्षा वस्तुओं की सूची जारी की है जिनके आयात पर प्रतिबंध है। लो लेवल लाइटवेट रडार भी उनमें से एक है। ऐसे में कोई भारतीय कंपनी क्या इस तरह की चीज उपलब्ध करा पाती है, इसकी तलाश लगातार जारी है। सेना के अधिकारी कहते हैं कि चीन सीमा पर भारत को लो लेवल लाइटवेट रडार की तत्काल जरूरत है। डीआरडीओ ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए असलेका MK1 नाम के इस रडार को विकसित भी कर लिया है। यह रडार ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम भी है, यानी कि डीआरडीओ का ये हथियार आने वाले दिनों में सेना के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।